सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपके भी 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और आपको कस्टम यूआरएल का ऑप्शन नहीं मिला है? तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा आप क्या गलती किए हैं और क्या कारण जिसके कारण आपको मतलब कस्टम यूआरएल का ऑप्शन नहीं मिला है। तो इस वीडियो को एंड देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले कस्टम यूआरएल होता क्या है इसको जान लेते हैं। दोस्तों कस्टम यूआरएल जो होता है ना, चैनल जानते हैं ना, चैनल के जो लास्ट में जाइएंगे अपने चैनल में तो एक ग्रीन करके ऑप्शन आता है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन करके जो उसमें लिखा जाता है कुछ भी, तो वहाँ पर क्लिक करते हैं या उस किसी को शेयर करते हैं तो उस पर क्लिक करके आपके चैनल पर कोई भी बंदा विजिट कर सकता है और उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कस्टम URL, ठीक है, कस्टम का हो सकता है गलती लिखे कस्टम URL, ठीक है। तो वो क्या होता है कि आप इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं और उसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी आसान होता है और काफ़ी कहीं भी आप उसको लिख कर शेयर कर सकते हैं, कोई भी आपको URL के माध्यम से चैनल पर विजिट कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है कस्टम URL और इसके फायदे बता देते हैं, उसके बाद से बता देते हैं कि क्या गलती की है जिसके कारण आपको नहीं मिला है। देखिए फायदे हम बता दें आपको, फायदे देखिए कस्टम यूआरएल को ऐसे तो बहुत फायदे हैं, लेकिन दो मेन फायदा ये है, अगर आपका चैनल सर्च में नहीं आता है तो आपका चैनल सर्च में नहीं आता है तो इस URL के चलते हो सकता है कि आपका चैनल सर्च में आने लगे, क्योंकि जो भी URL होता है तो मिलता है हमको mYouTube.com और साथ ही साथ में जो भी आप URL या चैनल URL उसको लिख कर सर्च करते हैं तो आपका चैनल सर्च लिस्ट में आने लगेगा, ठीक है। और दूसरा फायदा ये है कि आप कहीं भी किसी भी ब्राउज़र में, मान लीजिए कि क्रोम ब्राउज़र हो गया और साथ ही साथ या तो UC मिनी हो गया, यानी कि UC ब्राउज़र भी बोलते हैं उसको, कहीं भी जाकर आप सर्च करते हैं इस URL को तो आपका चैनल सर्च लिस्ट में आने लगेगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं जो क्या कारण है जिसके कारण हमें यू ऑप्शन नहीं मिला है। चलिए हम आपको बता देते हैं, तो सबसे पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये इरेज हो गया, अब जान लेते हैं कस्टम URL की एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कस्टम URL एलिजिबिलिटी, इसमें चार वे है, ठीक है, आपको चार चीज़ कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कस्टम URL का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बता देते हैं, सबसे पहला है कि आपके चैनल पर 100+ सब्सक्राइबर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद से दूसरा है कि आपके चैनल पर जो चैनल है 30 दिन से ज़्यादा का पुराना होना चाहिए, 30+ ओल्ड होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है कि आपके चैनल पर एक लोगो होना चाहिए, ठीक है। और सबसे चौथा है आपके चैनल पर एक बैनर होना चाहिए, ठीक है। ये चार चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कस्टम URL का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, बाकी हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।